आप देख पा रहे हैं इसका कलर जो है ना, सैमसंग का स्क्रीन के लिए ही सैमसंग टैबलेट को जाना जाता है। इनके पास एक बहुत ही अलग क्वालिटी का, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का कलर का स्क्रीन इनका इनके पास पेटेंट है इस स्क्रीन का। और मुझे बच्चे की पढ़ाई के लिए एक टैबलेट की ज़रूरत थी, क्योंकि आजकल क्लास ऑनलाइन हो रहा है, तो मुझे एक टैबलेट चाहिए था जो कि मेरे बच्चा जिसमें अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। मैंने बायजूस की लर्निंग के लिए एक टैबलेट की ज़रूरत थी, तो मैंने इसे टैब ए को, सैमसंग टैब ए को ख़रीदा है। ये 10.1 स्क्रीन इंच स्क्रीन के साथ आता है, क्योंकि एक अच्छा स्क्रीन साइज इंपॉर्टेंट है, जिससे आँख पे जोर कम पड़े, आँख पे प्रेशर कम पड़े, उसके लिए मैंने ये टैबलेट खरीदा है। इसकी कुछ खासियत मैं आपको बता दूँ, ये 32 GB है, ये 4G LTE को सपोर्ट करता है, और इसका जो कुछ फीचर है, इसमें 6150 mAh बैटरी है, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा, जबकि क्योंकि एक लॉन्ग लास्टिंग, ये फीचर्स को आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। अब मैं आपका इसका अनबॉक्सिंग शुरू कर रहा हूँ। तो ये देखिए, अभी मैं आपको देख रहा था पूरा सील है, इसे मैंने खोला भी नहीं है, पूरी तरह से ये सील पैक है। तो मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। वैसे इसे कट करता हूँ, पहले मैंने इस साइड कट किया, और इस साइड भी कट कर दिया। तो अभी इसको निकाल के देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या आता है। बहुत अच्छी पैकिंग है इसकी, ये देखिए, ये लगभग खुल सा गया है। तो ये देखिए, बिल्कुल ये आप देख पा रहे हैं मैं आपके सामने। इसका कुछ शायद स्टिकर वगैरह है, इसे पहले साइड में रखते हैं और देखते हैं। ये देखिए, इसको जब उठाते हैं तो ये टैब मेरे सामने आ जाता है। ये देखिए शानदार, बहुत अच्छा है इसका, इसका कवर काफ़ी अच्छा दिया गया है ऊपर से, ये गोल्डन कलर का है। ये 10.1 इंच का स्क्रीन है इसका, तो मैं इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका रैप बहुत अच्छे तरह से किया गया है, पैकिंग इसका रैपिंग अच्छा, तो ये एक तरह से पैकेट जैसा है। देखें तो शायद बिल्कुल एक पैकेट है, तो इसे इसको खींच के निकालना पड़ेगा थोड़ा। ये देखिए, ये आपके सामने, ये आपके सामने टैब सामने आपके आ गया है। तो ये आप टैब देख पा रहे हैं मेरे सामने, आप टैब देख पा रहे हैं पूरी तरह से। ये सैमसंग का काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी हैंड में काफ़ी स्मूथ नज़र आ रहा है। जब मैं इसे टच कर पा रहा हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है इसे टच करने पे, काफ़ी स्मूथिंग इफेक्ट है इसके साथ। और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन वगैरह काफ़ी अच्छा है। चलिए और देख लेते हैं इसके साथ क्या क्या आता है। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था टैब, इसके साथ एक चार्जर है, ये देख पा रहे हैं आप, चार्जर है ये, और इसके साथ एक केबल है। केबल शायद इसका लेंथ थोड़ा कम होता है, जो मैंने रिव्यू में पहले ही पढ़ा था, लेकिन अगर आप देखें तो सारे केबल जो इसके साथ आते हैं सबका लेंथ कम ही होता है, तो दिस इज़ गुड टू गो फॉर मी, ये काफ़ी है मेरे लिए। इसको ये इसके पीछे में लगेगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से फिट हो जाता है, उसके बाद चार्ज होगा। तो यही था शायद इसके बॉक्स। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। एक आप देख पा रहे हैं पिन निकालने के लिए दिया गया है इसमें, चलिए इसको रहने देते हैं और देखते हैं। एक छोटा सा बुकलेट है इसमें, तो हालांकि इसकी क्विक स्टार्ट गाइड है, वारंटी कार्ड है इसके साथ, सर्विस नेटवर्क कार्ड है। तो ये तीन छोटे छोटे बुकलेट हैं, और इसके अंदर कुछ है क्या जी नहीं। तो यही मेन चीज़ था जो मैं आपको दिखाना चाहता था, ये क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो था। इसके बारे में फ़ीचर्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या फ़ीचर्स इसमें आते हैं वो सारा आप अगले वीडियो में मैं आपके लिए बना दूंगा। तो मैंने इसके साथ एक कवर भी ख़रीदा है, आप देख सकते हैं। स्टैंड तो होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के लिए इसको हैंडल करना आसान नहीं होता। ये स्टैंड मुझे इसके साथ ऑफ़र में फ्री में मिल गया है, तो एक कूपन कोड मैंने अप्लाई किया, तो उसके साथ ये स्टैंड का प्राइस लगभग मुझे कम पड़ गया था जब मैंने इसे ख़रीदा। तो दोस्तों, ये स्टैंड और ये टैब, ये दोनों मैंने ख़रीदा है। कवर का और टैब का टोटल प्राइस मुझे लगभग 16,000 के आसपास आया। तो वीडियो देखने के लिए काफ़ी धन्यवाद आप लोगों का, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं आपको जब बायजूस का इसमें ऐप इंस्टॉल करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ऐप कैसे काम करता है इसमें टैबलेट में, वो पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, उसके लिए मुझे कितना पे करना पड़ा। वो LKG में मेरा बच्चा है जो कि, और LKG के लिए मैंने ये ख़रीदा है, और भी अभी बायजूस ने LKG का जो प्रोग्राम है डिज्नी के साथ मिलकर लॉन्च किया है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बायजूस मैंने कैसे इंस्टॉल किया है, और मेरे बच्चों को पढ़ने में कैसी कैसी फीचर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, इस चैनल को, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।